बाबा जहरवीर बड़े योद्धा थे। बाबा जहरवीर ने महमूद गजनवी को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था। गौवंश को बचाने में बाबा जहरवीर ने कई बार युद्ध किया। बाबा जहरवीर गोगाजी का जन्मोत्सव जगह जगह मनाया गया। देखिए, हर वर्ष कमजोर वेलफेयर सोसाइटी है, बड़े उत्साह के साथ में और बड़े जोश होश के साथ में और बड़े ही शासन प्रशासन की अनुमति के लेकर ये बहुत पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। और हर बात की बातियाँ पूरी करीब यहाँ पर जो झांकी आए हैं, दूर दराज से जो अखाड़े आते होते हैं उनका भी ये लोग सम्मान करते हैं। बाबा जहरवीर के गुरु बाबा गोरखनाथ कजरीवन से चले और इन्होंने बाबा राजा जेवर के घर बागर में आकर के लतड़े में आकर रुके और रानी बाचल के कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने सेवा करी रानी बाचल ने एक पांव से खड़े होके और उन्होंने काफी समय बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके आशीरवाद से बाबा जहरवीर ऐसी कला दिखाई, मुल्तान में गऊओं को आजाद कराया, सरबत सुल्तान 100 गऊएं रोज काटते थे। ये धार्मिक भावना उसी को अपने आप में प्रेरित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं या हमारे समाज के लोग हैं जिनको मालूम नहीं है उनको दर्शाने के लिए इसीलिए बाबा जहरवीर का महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी के प्रसाद से जो माता बाचल के गर्भ से पैदा हुए थे और इनको शेषनाग अवतार भी माना जाता है और ये आगरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था और बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ये शेषनाग बाबा जहरवीर गोगा जी चौहान शेषनाग अवतारी हैं और आगरा में हलवाई की बगीची में भी मेला हो रहा, वो तो काफ़ी वर्षों से हो रहा है। ये हमारे छावनी में 42वां मेला है। ये आगरा छावनी में हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी 42वां बाबा जहरवीर का मेला आगरा छावनी में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति जन्म हुआ था बाबा का उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है।